morning guys, this is Ronit watching Ronit Babu channel. Sunday ka din hai aur early in the morning thoda system mein baithe hua hi tha to ek soch raha hu ki action camera dekh lu, but mere budget price pe nahi aa raha, main utna invest nahi karna cha raha hu kyunki normally theek thaak video clippage theek se de footage bhi thoda theek aana chahiye kyunki first time kuch cameras wagera main first time order diya tha, uska feedback utna acha khas nahi tha. तो मैंने उसको फिर क्या किया ना, फिर उसको वापस दे दिया, रिफंड करवा लिया. तो सेकंड टाइम आई एम जस्ट प्लानिंग टू हैव ए एक्शन कैमरा बिकॉज मोबाइल में बहुत सारा दिक्कतें फेस आउट करना होता है. तो मुझे लगता है कि इस बार एक्शन कैमरा लेना ही बेहतर रहेगा ब्लॉगिंग के लिए. सो इन दैट केस मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि ब्लॉगिंग कैमरा मुझे मिल जाए इन बजट, बट आई डोंट नो कितने बजट में आएंगे. और अली उठते ही अभी जस्ट जैसे ही गाड़ी निकाला तो मुझे लगा ही था कि गाड़ी शायद टायर में हवा कम है, जैसे ही हवा चेक कराएं तो दोनों सामने वाला का हवा कम निकला. और उससे भी बड़ी बात ये है कि चार हवा दूर का चेक कराएं तो शायद मैं सोचा कि 10 रुपया लेगा, बट पता नहीं बंदा ने बोला कि 20 रुपया लेगा. हम बोला कि चार का भी कराइएगा फिर भी 20 रुपया और दो का कराइएगा फिर भी 20 रुपया. तो मैंने चारों का हवा फिर से चेक करवा लिया, नॉर्मल करवा लिया. पता नहीं आई हैविंग डाउट्स कितना कुछ क्लियर आउट रहेगा, ज़्यादा अंदर जाना सही नहीं है. दो दिन से चेक आउट नहीं हुआ था तो मैंने चेक करवा लिया तो पता चला कि हवा कम है और हवा भी डलवा दिया. ऐसे भी आज संडे है, बैटरी कुछ काम नहीं था तो इनिशियली इसलिए थोड़ा सा देखते हैं कहाँ थोड़ा सा आउटेज वगैरह होता है, ब्लॉग जरूरी होता है. तो आज का दिन हम लोग ब्लॉग जो करेंगे अच्छे जगह ही करेंगे, देखते हैं किस जगह चलते हैं फिर. जाने का मन नहीं है, वो बोल रहा घर जाना ही होगा. बोल नहीं हम घर नहीं जाएंगे, हम जब घर से बोल के निकले हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम घर नहीं जाएंगे. आज हर हालत में हम घर नहीं जाएंगे. गाड़ी पता है वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं. ओह माय गॉड कितना बड़ा पहाड़. सो फाइनली अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं और देख रहे हैं पूरा गाड़ी का जाम लगा हुआ है. दो गाड़ी एक साथ क्रॉस नहीं कर सकता, गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकता है. मेरे पीछे एक और एक गाड़ी आती रही है जिसको लगाना है, बट लाइन बाय लाइन गाड़ी लग चुकी है तो आगे नहीं जा सकते हम लोग, रुकना ही होगा. ही नहीं आओ अभी देखते हैं क्या है. इस साइड पहाड़ है और इस साइड हमें रुकाऊँ, पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत ही बेहतरीन है. अब आगे थोड़ा देखते हैं धरनों का. ये लेफ्ट साइड वाला लीग हमको लग रहा था कि थोड़ा कम है, बांटा ठीक रेडियल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. झमेला है किसे? तो अभी यहाँ पे झमेला हो चुका है, देख सकते हैं आगे. तो फाइनली आई एम इन गॉरपोंचोकोट, यू कैन सी द हिल्स ऑफ देयर. बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा. और पता है रास्ते में इतना जाम था क्या कहना, पहले लोग उससे निकल नहीं पाए थे, गाड़ी रुका हुआ था और मुझसे उसमें ही आधा घंटा लगभग लग गया. तो अभी हम जाएंगे और तो साइड देखते हैं क्या है, फिर देखते हैं बताते हैं. बीस रुपये कॉस्टिंग बता रही है, एक ले लेंगे. की नाम तो मौलाना मोलिका बावरी है और ये लोग 20-20 रुपये करके बेच रहा है, तो ऑलमोस्ट एक जरूर ले लेंगे. तो अभी फिलहाल तो देखते हैं, उसके बाद हम बेचेंगे. नहीं वो एखन ना एखन अभी बच्चे देख सकते हैं आप 20-20 रुपये का बेच रहे हैं और ऑलमोस्ट अभी इसको हम लोग लेंगे.
पास घूरते घूरते आ गए हैं तो बहुत थक गए थे, पीएंगे अभी गन्ने का जूस, उसके बाद देखते हैं। सो ये है राजमहल का भवन भवन दीवार, यू कैन सी दिस साइड, ये टूट गया है, बहुत पुराना समय का था ये टूट चुका है। सो यू कैन सी बहुत लोग चढ़े हुए हैं पहाड़ में, यू सी द रियल व्यूज ड्रामेटिकली, बहुत ही बेहतरीन जगह पिकनिक के लिए आप आए तो बहुत ही अच्छा जगह। ऑलमोस्ट घूमना यहाँ ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग रवाना देंगे। पहाड़ तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने घूमने फिरने के लिए अगर आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन प्रैक्टिकली आप जितना समय यहाँ अर्ली मॉर्निंग में अगर आ जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग से लगभग 3-4 बजे तक आराम से घूम सकते हैं, 5 बजे तक भी घूम सकते हैं। 5 बजे के बाद अगर आप चाहें तो सारा व्यू जो कि वहाँ का ऑलमोस्ट, उसके बाद आप यहाँ से निकले तो प्रैक्टिकली सारा चीज़ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से डिपार्ट करूँगा, पता नहीं यहाँ से दिखाई दूँगा।